अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हमें शोल्डर पट्टी बनाने का तरीका बताना है। मेरे चैनल को विज़िट करें तो हर किस्म की सिलाई डिज़ाइनिंग है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, पेपर ले लेते हैं पट्टी बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम वहाँ से तीरे की जो जगह है उसको मेजर कर लेते हैं, कितनी हमें लंबाई चाहिए। ये 5 इंच, तो यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा 1/2 इंच ले लेंगे पेपर। तो यहाँ पे लाइन लगाते हैं, एक और लाइन लगेगी 1 इंच के फासले पे। ये पट्टी की चौड़ाई होती है आमतौर पे 1 इंच की। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और ये देखें, यहाँ पे बिल्कुल छोटे से जो पॉइंट्स होते हैं इंची टेप में, वहाँ पे अंदर की तरफ 2 निशान लगा लिए। ऊपर से चौड़ाई रखेंगे और नीचे से थोड़ा सा तंग कर देंगे, ये आप देख सकते हैं। ऊपर से हमारा 1 इंच और यहाँ से नीचे से 1/4 इंच। तो अब इधर से कटिंग करेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी और अब इसे यहाँ से तय लगा लेते हैं। तो अब इधर से कॉर्नर इस तरीके से कटिंग करेंगे, ये देख सकते हैं, और नीचे से भी इसको 2 पीस में कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पे स्टिकी करेंगे, आयरन लगा लेते हैं। पहले कपड़े के ऊपर आयरन लगाएंगे और बाद में इसके ऊपर। तो यहाँ से साइडों से कपड़े को रिमूव कर देते हैं। तो ये इस्त्री लग चुकी है, अब हमें कहाँ इधर से कपड़ा फोल्ड करना है इस तरीके से। ये जो इधर वाली लाइन है बिल्कुल इसको बराबर करके एक बार फिर आयरन लगा लेंगे और अब यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और ये वाला जो हिस्सा है इसे खुला ही छोड़ देंगे इसको सीधा करने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे सिलाई लग चुकी है, इधर वाली साइड पे भी, इधर भी और इधर भी। तो अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वहाँ से। तो ये जो जगह है यहाँ से कपड़ा अच्छे से काटना है ताकि जब इसको सीधा करें तो अंदर की तरफ ज़्यादा कपड़ा ना रहे और यहाँ से पट्टी हमारी मोटी ना रहे, अच्छे से बनावट में तीखापन इसमें आए। तो इसको सीधा कर लेते हैं किसी चीज़ के साथ, ये पेंसिल के साथ ही इसको उलटाते हुए सीधा कर लेते हैं। तो ये सीधी हो चुकी है, अब ये जो कॉर्नर है यहाँ से सुई से इसको थोड़ा थोड़ा बाहर निकालेंगे, अच्छी सी शेप बनाएंगे। तो ये इस्त्री लगाने के बाद इसके ऊपर ये साइडों पे सिलाई लगा ली। तो साइडों पे सिलाई लगाने के बाद एक एक पैर की सिलाई लगाई और अब हम इसे, ये देख सकते हैं, ये जो सिलाई वाली साइड है इसको पीछे की तरफ करेंगे और ये जो जहाँ से गोल था इसको फ्रंट वाली साइड पे अगर हो सके तो इस तरह भी कर लें, थोड़ा सा नीटनेस आ जाएगी। तो अब इसको बराबर रखते हुए इस तरीके से हम माप लेते हैं, ये बिल्कुल सिलाई पे बैन के बिल्कुल बराबर रखेंगे। और यहाँ से ये देख सकते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा, और जहाँ पर हमने सिलाई लगानी है वहाँ पर निशान लगा लें ताकि थोड़ा सा आसानी से अटैच हो सके। तो इधर हमें सिलाई छोटी सी लगा लेनी है, ये देख सकते हैं वहाँ पे सिलाई लगा ली का, यानी कि टांका थोड़ा सा भर लिया मैंने। और यहाँ से एक्स्ट्रा इसको भी काट देते हैं और अब हमें लगाना है इसके साथ बाजू। जिस तरीके से भी बाजू लगाना है इसको अच्छे से, तो फिर हम बाजू लगा लेते हैं। बिल्कुल बाजू के साथ साथ चलाते हुए सिलाई मशीन को यहाँ पर जब आएंगे तो अच्छे से इसको इस तरीके से सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते हुए यहाँ से दूसरी साइड भी बाजू की लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो अब आते हैं इसके बटन की तरफ, बटन किस तरीके से लगाना है यहाँ पे। ये अगर तो इसको ओपन करना है या बार बार इसको खोलने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे काज करवा लेंगे और यहाँ पर बटन लगेगा ताकि इधर से बार बार बंद हो सके या फिर इसको खोल सके। तो अगर इसको बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं है तो फिर इस तरह करें कि बिल्कुल ऊपर ही इसको फिक्स कर देंगे बटन को। तो फिर हमें ऊपर ही आज लगा लेते हैं बटन, अच्छे से इसको टांके भर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कि हमारा बटन लग चुका है और हमारी पट्टी भी रेडी हो चुकी है। तो मेरे चैनल पर हर चीज़ सीखने के लिए है, तो इसके लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो वीडियो देखने का आप लोगों का शुक्रिया।